तो देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कसम खाई है, लेबनान और गाजा दोनों क्या को क्या भस्म करके रहेंगे क्या ये कसम, क्योंकि जो हालात हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद है। और देखिए इसराइल और हमास के बीच 16 दिनों से भीषण जंग चल रही है। अमेरिका लगातार इसराइल को मदद भेज रहा है, जिस पर ईरान आपत्ति जता रहा है, लेकिन अब ईरान ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। कई अरब मुल्कों को लामबंद करके ईरान अमेरिका के खिलाफ घातक प्लान तैयार कर रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो गया तो इसका अंजाम क्या होगा? इस बुलेटिन में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, और बड़ी खबर यह है कि हमास के खिलाफ इसराइल की बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसराइल फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आप तैयार हो चुका है। हमास पर प्रहार से पहले बड़ा युद्धाभ्यास, इजरायली सेना ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन से दागे गोले। गाजा में हमास को तबाह करने की बड़ी तैयारी की जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इसराइल पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार। गाजा से हमास के लड़ाकों ने दागे कई रॉकेट, रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देखिए। और बड़ी अपडेट है, हिजबुल्ला का आईडीएफ पर जोरदार प्रहार। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर किए गए हमले, आईडीएफ सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। आईडीएफ सैन्य टावरों, सुरक्षा कैमरों को निशाना बनाया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास के रॉकेट हमले पर आईडीएफ का बड़ा दावा। हमास ने 550 रॉकेट हमले किए, हमास के सभी रॉकेट को नाकाम किया गया है डिफेंस सिस्टम की मदद से। टारगेट पर पहुंचने से पहले सभी रॉकेट हमलों को नाकाम किया गया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, लेबनान से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हिजबुल्ला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से कर रहा है हमले, आईडीएफ के पोस्ट को निशाना बना करके ये हमला किया गया। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा हमला था हिजबुल्ला का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से, आईडीएफ के पोस्ट को निशाना बना करके ये टारगेटेड अटैक किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर।